नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने लोकसभा चुनाव के लिए दो सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने कल्याण और ठाणे लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जिसके मुताबिक पार्टी ने कल्याण सीट से श्रीकांत शिंदे और ठाणे सीट से नरेश गणपत महस्के को टिकट दिया है। श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पुत्र हैं। कल्याण लोकसभा सीट पर श्रीकांत शिंदे का नाम पहले से ही तय था और सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी था। बीते महीने ही राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कल्याण लोकसभा सीट पर श्रीकांत शिंदे के चुनाव लड़ने की बात कही थी। कल्याण सीट पर श्रीकांत शिंदे का मुकाबला शिवसेना यूबीटी की उम्मीदवार वैशाली दारेकर राणे से होगा। वैशाली साल 2009 का लोकसभा चुनाव कल्याण से ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से लड़ चुकी हैं। इस बार वे शिवसेना यूबीटी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। ठाणे सीट पर उम्मीदवार के ऐलान को लेकर भाजपा और शिवसेना में मतभेद थे। ठाणे सीट से भाजपा संजीव नाइक को चुनावी मैदान में उतारना चाहती थी, वहीं सीएम शिंदे अपने गृहनगर को छोड़ने के लिए राजी नहीं थे। हालांकि काफी विचार विमर्श के बाद भाजपा ठाणे सीट को शिवसेना को देने को राजी हो गई, लेकिन भाजपा ने शर्त रखी कि ठाणे में उम्मीदवार का ऐलान भाजपा के साथ चर्चा के बाद ही होगा। ठाणे सीट से शिवसेना यूबीटी के राजन विचारे चुनावी मैदान में है। 2019 के चुनाव में राजन विचारे ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। नासिक सीट पर अभी भी मतभेद है और अभी तक नासिक में उम्मीदवार के ऐलान नहीं हो सका है। शिवसेना इससे पहले 8 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जिनमें दक्षिण मध्य मुंबई से राहुल शेवाले, कोल्हापुर से संजय मंडलिक, शिरडी से सदाशिव लोखंडे, बुलडाणा से प्रताप राव जाधव, हिंगोली से हेमंत पाटिल, रामटेक से राजू पारवे, मावल से श्रीरंग बारणे और हाथकड़ंगले से धैर्यशील माने को टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र में शिवसेना, भाजपा और एनसीपी महायुक्त गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रही है। महायुति में सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। गठबंधन के तहत भाजपा राज्य की 28 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं 14 सीटों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और 5 सीटों पर अजीत पवार की एनसीपी चुनाव लड़ सकती है। राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी को भी एक सीट दी गई है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।